हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नॉन रेसोसिटी की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस आपको एक इमोजी वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज हो गया, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको इमोजी वीडियो को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसमें वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से गाइस आप अपनी फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको 10-12 फोटो को या वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक साउंड वाली वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको इस वीडियो का आईडी निकाल लेना है। आईडी निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रिक आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वीडियो का आईडी निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस वीडियो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को डिलीट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम करना है। इस तरह से आपको जूम करना है। जूम होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं जहाँ हमारा फर्स्ट वाला एक साउंड आ रहा है, यहाँ से आपको वीडियो को कट करना है। कट करने के लिए आपको इमोजी वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको इमोजी वीडियो को कट कर लेना है। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं हमारा ज़्यादा साउंड आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से गाइस आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। तो आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है, कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे तीन वॉलपेपर यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब गाइस आपको चौथे वाले वॉलपेपर को थोड़ा सा लंबा कर देना है। तो आपको चौथे वाले वॉलपेपर को जहाँ से हमारे ज़्यादा साउंड आ रहे हैं, आपको तीन साउंड को छोड़ देना है, चौथे साउंड पर कट करना है। इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं तीन साउंड को आपको छोड़ देना है और चौथे साउंड पर आपको कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे तीन वॉलपेपर छोटे छोटे लग गए हैं, एक वॉलपेपर हमारा लंबा हो चुका है। इसी तरह से आपको वॉलपेपर को सेट करते जाना है। तो चलिए हम जल्दी से वॉलपेपर को सेट कर लेते हैं। आपको तीन वॉलपेपरों की लेयर को छोटा छोटा करना है और चौथे वॉलपेपर की लेयर को थोड़ा सा लंबा कर देना है। इस तरह से आपको करते जाना है। तो गाइस आपको भी इस तरह से वॉलपेपर को कट करते जाना है। तो चलिए हम जल्दी से सही वॉलपेपर को कट कर देते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी 11 सेकंड की वीडियो बन चुकी है। आप इस वीडियो को जितना भी लंबा बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। आपको यहाँ से वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर को कट करते जाना है, आपकी वीडियो लंबी बन जाएगी। तो यहाँ से हम गाइस 11 सेकंड की वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। तो गाइस आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिप ग्राफिक्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो गाइस आपको सेकंड नंबर पर एक क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है इन एमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको राइट साइड में डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो यहां से गाइस आपको बैक आना है। गाइस आपको एक और क्लिप ग्राफिक्स को इसमें डाउनलोड करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है मॉडर्न सिंपल, यहां पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहां से आपको नीचे चले जाना है, नीचे यहां पर एक क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा मेमोरी लाइन, मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड करना है। देख सकते हैं यहां पर हमें मेमोरी लाइन वाला क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, तो आपको इस क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके आप मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो आपको बैक आना है। आपको गाइस इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको 33 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको 33 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। यहां से आपको इसको डन कर देना है। सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और 44 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इस तरह से आपको 44 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। यहां से आपको इसको डन कर देना है। तीसरे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहां से आपको इसमें 33 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। इस तरह से आपको 33 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। यहां से आपको इसको डन करना है। गाइस आपको चौथे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। इसमें आपको मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। गाइस आपको फर्स्ट नंबर वाले मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। यहां से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरह से गाइस आपको सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगाते जाना है। आपको पांचवें वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, 33 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इसी तरह से गाइस आपको सेम जैसा आपने फर्स्ट नंबर वाले वॉलपेपरों में किया था उसी तरह से आपको लगाते जाना है। तो चलिए हम जल्दी से सभी वॉलपेपर में लगा देते हैं। गाइस आपको लंबे वाले वॉलपेपर में मेमोरी लाइन वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगाना है। इस तरह से गाइस आपको साड़ू पीएनजी इमेज को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको रोलेट करके इस तरह से नीचे साइड में इसको लगा लेना है। इस तरह से गाइस आपको साड़ू पीएनजी इमेज को नीचे साइड में लगा लेना है। आपको राइट साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको सेंड टू बैक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी साड़ू पीएनजी इमेज कुछ इस तरह सेट हो जाएगी। आपको साड़ू पीएनजी इमेज की लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। तो आप देख सकते गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। यहां से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लाकर किसी वॉलपेपर को लाकर न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।